यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रही होगी गणेश विसर्जन की ये घड़ी का दृश्य है। और यहाँ हर कोई हम ये कह सकते हैं गणेश जी की पूजा अर्चना में मदहोश दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर पूजा अर्चना के साथ साथ प्रसाद वितरण का भी आयोजन किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल। भिवानी में श्रद्धा व उल्लास का गणपति विसर्जन पर दिखा संगम, छोटे छोटे बच्चे, महिला व बुजुर्ग हर कोई बना हिस्सा। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता है। आपके विशेष दिन को और भी खास बनाने के लिए द प्रोफेशनल केटर्स की टीम है तैयार। फॉर इंक्वायरीज प्लीज कॉल 9896480000। आज 17 सितंबर को गणेश विसर्जन है। इस दिन शुभ मुहूर्त में ही बप्पा को विदाई दी जा रही है। भिवानी के टीआईटी नहर के समीप श्रद्धालु कोई पैदल तो कोई बैलगाड़ी में पहुंचा। श्रद्धालुओं ने बताया कि गणपति बप्पा की 10 दिनों तक घर में पूजा अर्चना करने के बाद अंतिम दिन दुखी मन से उनकी विदाई होती है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आके, जयकारों से गूंज उठा भिवानी। हिंदू धर्म में गणेश विसर्जन का अत्यधिक धार्मिक महत्व है। लोगों की आस्था व मानना है कि गणपति अपने साथ भक्तों के दुखों को लेकर जाते हैं और उनके जीवन को खुशहाली से भर देते हैं। इस बार गणेश विसर्जन के दिन भद्रा और पंचक भी है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। भिवानी शहर के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु नहर के समीप विसर्जन का साक्षी बने। लोगों का क्या मानना है, आइए सुनवाते हैं। गणपति बप्पा मौर्या, आखिर वो अंतिम घड़ी यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रही होगी गणेश विसर्जन की, ये घड़ी का दृश्य है। और यहाँ हर कोई हम ये कह सकते हैं गणेश जी की पूजा अर्चना में मदहोश दिखाई दे रहा है। चाहे बच्चों की बात करें, महिलाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, जवानों की बात करें, यहाँ किस कदर ये झूमते हुए मस्ती में डुबकी लगा रहे हैं, ये भी दृश्य है। और यहाँ पर पूजा अर्चना के साथ साथ प्रसाद वितरण का भी आयोजन किया जा रहा है। खास तौर पर ये छोटे छोटे बच्चे महिलाओं के साथ डुबकी लगाते हुए आपको मनमोहक दिखाई दे रहे होंगे। जी, सब इनकी माया है, इनके सारे सबके घर परिवार चलते हैं। 10 दिन तक गणपति जी की पूजा अर्चना की गई, कहाँ से लेके आए हो आप? भिवानी से, बैंक कॉलोनी से। वर्ष मनाते हो? हम आपकी बार पहली बार लाए हैं। पहली बार बच्चे भी काफी अभी गणेश जी की आरती में लीन थे। बेटा क्या नाम है आपका? तरीति। गणेश जी की पूजा की आपने? गणेश जी की आरती आती है आपको? सुनाओ। जय गणेश देवा, माता जा की पार्वती, पिता महादेवा। कीर्तन की है, जो भी सेवा हो सके हम सारी करिए। अभी गणेश जी की जो अंतिम विदाई आप जो मान के चल रहे हो, अभी हर वर्ष आते हैं गणपति जी, इस आराधना की गई है अगले वर्ष भी जल्दी आना, जल्दी क्या कहना चाहेंगे जी? हम तो कहते हैं कि सभी की मनोकामना पूरी हो। गणेश जी की पूजा करके आत्मिक शांति मिलती है? हाँ, मन को संपत्ति मिलती है, रिद्धि सिद्धि वो है, धन लक्ष्मी जी उनके जो साथ आती है, रिद्धि सिद्धि को छोड़ जाते हैं। एंड इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं हम सब, इंडियन कल्चर को यंग जनरेशन आगे ले जा रही है टाइम के साथ। किसने बताया आपको ये, किसने सिखाया ये गणेश जी की पूजा करने के लिए? दादा ने, दादी ने, पिता नहीं, ने? मैं 2006 से 2011 के अराउंड, 11-12 के अराउंड मैं गया था मम्मी के साथ एक गणेश विसर्जन में, जो गणेश मंडल नहीं अपने, उनके साथ में गणेश विसर्जन। उस टाइम मैंने पहली बार देखा था महाराष्ट्र में लाल बाग जा, दगड़ू सेठ जी महाराज और सबके, इनके बारे में सुना वगैरह, इंडियन कल्चर को आगे ले जाने के लिए। 10 दिन पूजा की गई। हाँ। और आज अंतिम विदाई। हाँ। कह सकते हैं हम। हाँ, अंतिम विदाई। विदाई के दौरान भावुक हो जाते हैं खास तौर पर? हाँ, खूब हुए हैं, खूब भजन कीर्तन खूब करे हैं। 10 दिन, 11 दिन है। साल जल्दी आ। हाँ। गणपति बप्पा मोरिया, अगले वर्ष तू जल्दी। गणपति बप्पा, क्या क्या करना चाहेंगे? हमें बहुत खुशी है, हर साल मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं और सबको सुख शांति मिले, सनातन धर्म बना रहे। जय श्री राम। जी, हमारे चिड़ी माँ बांग गंगई है, वहाँ पर श्री गणेश धाम के नाम से स्थान है, ये हमारे पूरे ही मोहंगे का है,
भगवान गणेश जी की कृपा से, पितरों महाराज की कृपा से, देवी माई की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से ये बच्चे चार सांग से उत्सव मना रहे हैं श्री गणेश जी भगवान का। परमात्मा हमारे देश में, हमारे गौ माताओं में, हमारे सब प्राणियों में सुख समृद्धि प्रदान के लिए ये कार्य किया जाता है। गणेश जी के साथ अभी सारा परिवार पूरा मोहंगा पूरी भिवानी समझो आप। हाँ जी, हर वर्ष आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, चार वर्ष से हर वर्ष आते हैं, चौथी वर्ष अब चाहिए। इस प्रकार की मन्नते मांगी जाती है, यही मन्नते मांगी सुखी रहे बस। बस सबके घर में आपने तो भगवान ने खूब दे रखा है, बस हर साल यही करवाया जाए। बस हर साल डुबकी लगा रहे थे सभी बच्चे भी, महिलाएं भी खुशी के साथ। खुशी थी, इतनी खुशी थी, हम 10 दिन से वेट कर रहे थे कि पापा का विसर्जन करने जाएंगे, बहुत मस्ती करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भिवानी हलचल।